नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम UPPCS 2022 में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आए थे जनरल स्टडी के पेपर में, उनको डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 25। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी? राइट आंसर सी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तरी सरकार, मन्नार तट, खंबात तट या केरल तट? राइट आंसर होगा सी, खंबात तट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण आपको दिए गए हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई, कोचीन, अहमदाबाद, नई दिल्ली? राइट आंसर होगा बी, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोओव, लोत्से, अन्नामलाई, सिरुमाली? कूट के माध्यम से आपको उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा इसका डी, पहला चोओव और सिरुमाली, पहला और दूसरा चोओव और लोत्से, ये दोनों कहाँ हैं? दोनों ही हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, यह गलत है, सातवां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2 और 3 सही। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दो सही सुमेलित हैं? जनजाति और राज्य दिया गए हैं आपको, केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यांदा राजस्थान, पालयान तमिलनाडु। तो जो इसमें सही है वो है बी, पहला और चौथा, यानी कि केरिया उड़ीसा और पालयान तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है। कारण, उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र प्रोफिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। राइट आंसर होगा ए, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? टिकिरिता, रमादी, बसरा, बगदाद? राइट आंसर होगा सी, बसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र और कहाँ स्थित है ये आपको देखना है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मालको चेन्नई, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको कोरबा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंडालको रेनकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडल, हीराकुंड। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर ए, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उद्योग सही उत्तर चुनिए। केंद्र और उद्योग आपको दिए गए हैं, ओसाका सिगार, डेट्रॉइट पोत निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र, सेंट पिट्सबर्ग मोटर वाहन। इसका आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन होगा इसका डी, यानी कि 3, 4, 1, 2, ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉइट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, सेंट पिट्सबर्ग पोत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान? राइट आंसर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल, टिन, तांबा या चांदी? राइट आंसर ए, खनिज तेल। नेक्स्ट, के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? लोकटक, डल बुलर, कोलेरू? राइट आंसर ए, लोकटक, मणिपुर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति आपको दी गई है। दूधसागर कर्नाटक, बरकाना ओडिशा, खंदाधार हिमाचल प्रदेश, पलानी गोवा। राइट ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3 यानी दूधसागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंदाधार ओडिशा, पलानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। राइट आंसर सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम मरुस्थल निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान। राइट आंसर ए तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य आपको मैच करने हैं। मानस मध्य प्रदेश, सुंदरवन उत्तर प्रदेश, नंदा देवी असम, पंचमणि पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी 3, 4, 2, 1 मानस, असम, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, पंचमणि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस। राइट आंसर होगा डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु आपको दिए गए हैं। प्रशांत अधिकतम गहरा गर्त, सुंड्रा गर्त होगा यहाँ, गलत छप गया है, सुंड्रा गर्त होगा यहाँ, आर्कटिक प्यूटोरिको गर्त, हिंद मैरियाना गर्त, अंध मैलॉय गर्त। राइट आंसर होगा डी 3, 4, 1, 2 यानी प्रशांत, मैलॉय गर्त, आर्कटिक, प्रशांत में मैरियाना गर्त, आर्कटिक में मैलॉय गर्त, हिंद में सुंदरा और अंध में प्यूटोरिको। राइट ऑप्शन क्या होगा डी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, केवल एक सही है, यह 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहाड़ और इनकी अवस्थिति आपको बतानी है। बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, बिलारी श्रृंखला मणिपुर, चिन श्रृंखला बिहार, धोशी पहाड़ी कर्नाटक। राइट आंसर इसका आपको बताना है। राइट ऑप्शन है सी 3, 4, 2, 1 यानी बटेश्वर बिहार, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक, चिन श्रृंखला मणिपुर, धोशी हरियाणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू, बोलीविया। राइट आंसर डी बोलीविया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गुजरात चाय, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, असम गेहूं। राइट आंसर सी केरल रबड़, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण, गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ए ऑप्शन इसका ठीक है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो एक पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।